दो बार ये एमसी टोहाना में रह चुके हैं। इनके अलावा इनके श्री फादर साहब भी इनके जो है वो भी एमसी पार्षद रह चुके हैं, तो ये भाटिया बिरादरी के प्रधान भी रह चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को दबाना न भूलें। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको आपने मीडिया में तो कम देखा है लेकिन काफ़ी सक्रिय समाज सेवा में रहते हैं। हमारे साथ हैं अनिल भाटिया जी। भाटिया जी, सबसे पहले तो आज पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के थ्रू मैं सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो भाटिया साहब, जैसे हम एक बार हमारे दर्शकों को परिचित करवाएंगे अनिल भाटिया जी से, दो बार ये एमसी टोहाना में रह चुके हैं, इनके अलावा इनके श्री फादर साहब भी इनके जो है वो भी एमसी पार्षद रह चुके हैं, तो ये भाटिया बिरादरी के प्रधान भी रह चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी सक्रिय रहे हैं समाज सेवा में भी और अन्य जो गतिविधियाँ सामाजिक उसमें, लेकिन आज तक आपने इनको बहुत कम मीडिया पर देखा है, तो हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पर आज ये आए हैं। तो भाटिया जी, जैसे टोहाना को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? जैसे हमारा टोहाना है, काफ़ी प्रसिद्ध हमारा राजनीति में भी है, लेकिन समस्याएं अभी तक जो होनी चाहिए थी वो अभी तक इतना वो नहीं हो पाई। ऐसा है जी, यहाँ सबसे ज़्यादा राज जो रहा है वो कांग्रेस का रहा है और हरपाल सिंह फैमिली का रहा है, जिन्होंने टोहाना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 सालों में माननीय सुभाष बराला जी ने, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ यहाँ किया है, और लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी। अच्छा, इसी बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगा एक बार, तो जैसे पानी है यहाँ पर, जब बारिश आती है तो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कैसे जो पानी लोगों को घरों तक चला जाता है, अभी यहाँ तक कि अभी पीछे लोग धान ही लगाने लग गए थे विभाग को जगाने के लिए, तो सर ये क्यों, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? ऐसा है जी, पिछले 5 सालों में जब भी पानी खड़ा होता था तो माननीय सुभाष बराला जी अपने प्रयासों से इसको जल्दी ही मोटरें लगवा के निकलवा दिया करते थे, लेकिन अब जो विधायक जी हैं या उनके लोग हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और सोशल लोगों के थ्रू, सामाजिक लोगों के थ्रू हम लोग भी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, और बार बार इनको कहते हैं डिपार्टमेंट वालों को, निकलवाने की कोशिश करते हैं और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। तो भाटिया साहब, जैसे आजकल हम देखते हैं कि जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देखते हैं कि इस प्रकार पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसी बीच कुछ लोग होते हैं जो इसको फैलाते हैं, इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं कि आपस में किस प्रकार भाईचारे को बढ़ाया जाए? देखो जी, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके हम मेंबर भी हैं, ये इस बात में विश्वास नहीं रखती, और हम भी ये कहते हैं कि आपस में मिलकर रहना चाहिए, सारे समाज मिलकर जब काम करेंगे तो ही देश, प्रदेश और हरियाणा की उन्नति होगी। तो सर, आप पार्षद भी रह चुके हैं जैसे कि हमने दर्शकों को बताया है, तो आप किस प्रकार देखते हैं कैसा जो टोहाना हमारा होना चाहिए? जैसे अभी हमने सीवरेज की भी बात की, अभी जो बरसात का पानी है उसकी भी बात की, काफ़ी जो ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार, उनका समाधान कैसे किया जाए? टोहाना में जो ये है, समाधान करने के लिए जो सामाजिक लोग हैं या जो प्रशासनिक लोग हैं उनको प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास हो सकते हैं अगर इनका हेड या जो विधायक है या सरकार है उसकी तरफ ध्यान दे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर इसकी तरफ सीरियस। आप भी सहयोग देंगे इसमें? बिल्कुल, हम दे भी रहे हैं, और पहले जब हम पार्षद रहे हैं तो हमारा काफ़ी सहयोग रहा है और काफ़ी काम भी किया जाता था इसके ऊपर। तो भाटिया साहब, जैसे आपको पता है हमारे टोहाना के अंदर समाज सेवी संस्था बहुत ज़्यादा है, जो जैसे हम नंदीशाला में खड़े हैं यहाँ पे भी संस्था काम कर रही है और भी शहर में, तो आप किस प्रकार उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं या किस प्रकार आप जैसे वो आगे और अच्छे काम करें शहर में? जैसे आप नंदीशाला का आपने एग्जाम्पल दिया, नंदीशाला में जब भी श्री धर्मपाल सैनी जी जो कि यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी वो काम हमें बुलाते हैं या कोई काम जिम्मे लगाते हैं हम करते हैं, और आगे भी जो जो संस्था, जिस जिस संस्था ने हमें बुलाया है या बगैर बुलाए भी, जैसे कि अब पीछे कोविड के दिनों में लंगर चलाए गए थे वो करा था, वहाँ भी हमने सहयोग दिया है और आगे भी सहयोग देते रहेंगे, जैसा भी लोग उनको सहयोग की जरूरत होगी हम जरूर। जी, शुक्रिया अनिल जी। तो ये थे हमारे साथ अनिल भाटिया जी, आज हमने हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों से इनसे मुलाकात कराई और इनके विचार आपने सुने कि ये हर संस्था का भी सहयोग करने के लिए तैयार, और शहर में जिस प्रकार की भी जरूरत है ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे TBN न्यूज़ के साथ।